हेलो गाइस, मैं राजेंद्र कुशवाहा। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आलू सैंडविच, जो काफ़ी फटाफट और काफ़ी बहुत जल्दी बन जाता है और काफ़ी टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं अपने आलू सैंडविच की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया बड़े कप आलू, छिलके उतार के और मैश कर लिया अच्छे से। नेक्स्ट ऐड करेंगे एक कटोरी टमाटर, इसी के साथ ऐड कर देंगे एक कटोरी प्याज चॉप कटी हुई, थोड़ा सा शिमला मिर्च मतलब कि एक कटोरी चॉप करी हुई, और धनिया की पत्तियां ले ली हमने काट के। एक चम्मच नमक ऐड करेंगे, एक चम्मच इसी के साथ ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच भूंजा हुआ और पीसा हुआ जीरा, आपको मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा। हाथ की मदद से खूब अच्छे से इसको मिलाएंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे एक से डेढ़ मिनट खूब अच्छे तरीके से। मिक्स करने क्या होगा कि हमारी पूरी वेजिटेबल सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे ब्रेड 6-7-8 स्लाइस। नेक्स्ट अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मक्खन और ब्रेड की स्लाइस में अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से इसको ब्रेड के स्लाइस में फैला देंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने अच्छे से आलू बना लिया वेजिटेबल के साथ, इसको इसमें हम ऐड करेंगे अच्छे से, मतलब फैला देंगे चारों तरफ अच्छे से। अब हमने एक और स्लाइस ली, उसमें भी हमने बटर लगा लिया अंदर से अच्छे से। ये देखिए हमारा एक लगभग रेडी होने आ चुका। अब इसी प्रोसेस से हम अपना सारे सैंडविच मतलब कि तैयार कर लेंगे। बटर लगाएंगे और उसके बाद इसमें अब आलू ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा है वेजिटेबल से अच्छा था। इसी प्रोसेस से हमको अपना सारे कर लेना है। आइए चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट हमने ले लिया यहाँ पे एक तवा लोहे का, और इसमें हम पहले मक्खन ऐड करेंगे तवे पे पहले। आज का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। देखिए मतलब कि हमारा मक्खन लगभग कि रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने जो सैंडविच था, हमारा हाफ सैंडविच था, उसको अब हम ऐड कर देंगे। अब इसको लगभग एक से डेढ़ मिनट खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, ऊपर से भी बटर लगा देंगे क्योंकि पलटने में आसानी रहेगी। देखिए हमारा एकदम प्यारा सैंडविच रेडी हो चुका है लगभग कि। इसी प्रोसेस से अपने सारे सैंडविच को हम फ्राई कर लेंगे बटर की सहायता से। एक से डेढ़ मिनट खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब कि कलर ब्राउन हो जाए, ज़्यादा मतलब लाल ना होने, टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। तो लगभग कि मेरा सैंडविच रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो आज की आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस।